अब बी एंड डी फ्रेंड, न हिंदू न मुसलमान, हमें बेमान। इस हफ्ते फिर पहला गया बुरी तरह से। सुन लो बात की गहराई को समझो। आप पहले टीवी पे अपनी शक्ल देखिए, आप क्या लग रहे हैं अभी? आप सुधरिए, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, कोशिश कीजिए। दिस गाय इज हैविंग दैट मच ऑफ पावर एंड पोटेंशियल दैट ही कैन टर्न द वर्ल्ड अराउंड। But why he is like this, nation really wants to know. Why he is a BND? आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मतलब सच्चाई और ईमानदारी से काम करे लोग सल्यूट करेंगे, पैसे का क्या है? जो भड़वा दलाल की जगह लोग इसे अच्छा और ईमानदार बोलेंगे, पर ये नहीं सुधरेगा क्योंकि कोई रिश्ता है ना। ये देखो, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो। अरे हद तो तब हो गई जब लोग ट्रोलिंग में ट्रम्प से भी वही दो शब्द बुलवा रहे हैं, भड़वा दलाल, हर जगह पे बोलो। नाउ दिस इज द लेटेस्ट मीम, ही रोट द बुक ऑन मर्यादा बिकॉज नोबडी इज रिस्पेक्टिंग हिम नाउडेज। सबसे कम मर्यादा रखिए सर, सबसे कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। चुप कर बादल चुप। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूं। बेचारा बीएनडी हर बार मर्यादा की दुआई देता रहता है, ये देखो। पर आते वही दो शब्द घूम के कि मर्यादा को डालो अपनी गान में। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू, मुसलमानों पर तो गलती मान ली, क्या हिंदू आतंकवाद पर भी सॉरी कहेंगे राहुल गांधी? जो हिंदू हित की बात करेगा वही 19 में क्या रच। आई एम नॉट इनसाइड हियर एट ऑल, बट ऑन नेशनल चैनल व्हाई यू ऑलवेज डिस्कस थिंग्स लाइक दिस? पहले हिंदू पाकिस्तान और अब हिंदू तालिबान, हिंदू किसकी बकौती? पूरे टाइम हिंदू मुस्लिम यही करता रहता है बीएनडी। 23 फरवरी को इसका ट्वीट था ये वाला, और ये थी हेडलाइन, हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। बस यही बातें कर रहा था। सेकुलरिज्म के बड़े सारे सूरमा है जो बार 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 कई बार कहते हैं कि लगता है इस देश के अंदर स्थिति अब एक धर्म विशेष के रहने लायक नहीं। देखो जी, दंगों में सबका नुकसान होता है, सबका। उसमें आग डालना, उसे भड़काना कि देखो कितने लोगों को मार दिया, देखो ये क्या किया, इससे गलत होता है। उसे उस वक्त ही उस आग को बुझाने की जरूरत होती है, तब वो सब कुछ शांत होता है। पर इन लोगों के एटीट्यूड में ऐसा बिल्कुल नहीं है।